तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे आप सभी लोग। तो भाई अभी मैं थोड़ा गांव जा रहा हूँ अपने किसी काम के लिए, और वो काम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा आप लोगों के सामने। जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं आप लोग देख सकते हो किस गाड़ी पर जाने वाला हूँ। तो गाड़ी है भाई एक्टिवा, या आप लोग देख सकते हो 6G, और आज लेके जा रहा हूँ। हमेशा स्प्लेंडर पर जाता हूँ बट आज जा रहा हूँ भाई एक्टिवा पे। एंड भाई इस गाड़ी पर आज लगभग 3570 किलोमीटर राइड करने वाला हूँ, और कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है और कितना क्या मतलब अच्छा राइड रहता है वो आप लोगों के साथ जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। बाकी दोस्तों गांव का व्यू एंड जो रास्ता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार का है, और जिस गांव में मैं जा रहा हूँ उस गांव का भी व्यू मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो राइड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो गाइज राइड के साथ शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहे, ठीक है। तो अभी चलते हैं मेन रोड पे और वहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं ऑन राइड। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपन मेन रोड पे, एंड आप लोग देख सकते हो भाई रोड का नजारा कुछ इस प्रकार का है, और बहुत ही प्यारी रोड बन चुकी है। इससे पहले भाई लगभग आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे रोड नहीं हुआ करती थी, अभी रोड भी भाई लगभग 2 साल हुए बने हुए, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारी रोड बन चुकी है, पहले सिंगल रोड हुआ करती थी और रोड के बीच में कई सारे गड्ढे भी हुआ करते थे। जब गाड़ी को ओवरटेक करना होता तो भाई भले ही साइड में भाई गड्ढा भी होता ना, तो गड्ढे के अंदर भी उतारना पड़ता था गाड़ी को अगर सामने से कोई 4-व्हीलर गाड़ी आती है तो। बट अभी जो है रोड काफी प्यारी बन चुकी है और बहुत ही स्मूथ रोड है, ठीक है ना। तो फिलहाल भाई हम लोग जो है मेन रोड पे चल रहे हैं, लेकिन जिस गांव में जा रहा हूं मैं उस गांव के बीच में भाई बहुत ही मतलब कच्चा रास्ता है और उसमें काफी ज्यादा गड्ढे वड्ढे भी है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे चल के, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारा सफर भाई लगभग 20 किलोमीटर के आसपास ऐसी रोड पे होने वाला है, एंड उसके बाद भाई लगभग 8-9 किलोमीटर का सफर ऑफ रोड होने वाला है। तो स्कूटी है मेरे पास तो इसके टायर भी छोटे हैं, तो देखते हैं भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है, बाकी आप लोगों को लाइव दिखाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल चलते हैं। भाई एक बात तो कहना पड़ेगा, एक्टिवा भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है। इस तरह की अगर रोड एक्टिवा को मिल जाती है ना तो भाई बहुत मज़ा आता है भाई राइड करने का। देखो यार यहाँ पे ना तो आपको कोई गियर चेंज करने की ज़रूरत रहती है, और ना ही मतलब गाड़ी देखो गियर चेंज करने की जरूरत तो मोटरसाइकिल में भी नहीं रहती है, बट वहीं अगर बात करें स्कूटी की जो स्मूथनेस है ना भाई उसमें मज़ा आता है, भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतनी भाई अच्छी खासी हवा चल रही है और मेरा जो कमीज वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा है, बट वही बात करें गाड़ी की तो भाई इतनी ज़्यादा स्टेबल चल रही है, 60 की स्पीड मेंटेन कर रही है, आप लोग देख सकते हो भाई बराबर मज़ा आ रहा है भाई राइड करने का, बहुत ज़्यादा मतलब स्प्लेंडर से ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई अल्टो चला रहे हैं अंकल जी, और बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर है भाई अल्टो, इतनी ज़्यादा साफ गाड़ी मैंने अभी तक नहीं देखी भाई, इतनी साफ है। बंद भी हो चुकी है ये गाड़ी, और यहाँ पर अंकल जी के पास भाई इतनी क्लियर गाड़ी है, और अंदर का इंटीरियर तो भाई मतलब एक नई गाड़ी है ना शोरूम से निकली हुई वैसी लग रही है। सामने आप लोग देख सकते हो भाई नील गाय खड़ी है इस साइड में, नील गाय से बिल्कुल बच के रहना पड़ता भाई, सारे के सारे खेत खाली है अभी, और ये इनका ही मतलब इलाका है ये मान के चलो, क्योंकि गांव में भाई खेती वगैरह होती नहीं है, सिर्फ बारिश के मौसम में ही खेती होती है, उसके अलावा पानी है ना यहाँ पे तो भाई खेती होती नहीं है। तो सो इस तरह के भाई खेत आप लोगों को दिखेंगे गर्मियों में सारे के सारे सूखे, और भाई जब बारिश की सीजन आता है तो यहाँ पूरा का पूरा आपको हरियाली दिखेगा। अभी जहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रहा जिस गांव से गुजर रहा था, इस गांव का नाम है काकेलाव गांव, जो कि इस गांव से लेकर जहाँ से मैं रवाना हुआ था मेरा जो प्लॉट है वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ जहाँ से मैंने राइड स्टार्ट किया था, ठीक है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग भाई 12 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस मैंने कवर कर दिया, और हो सकता है भाई जिस गांव में मैं जा रहा हूँ वहाँ का डिस्टेंस अभी भी जो मैं बता रहा हूँ 25-30 किलोमीटर के आसपास दोनों बन जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 8-9 किलोमीटर ऑफ रोड करना पड़ेगा एंड उसके बाद लगभग 20 किलोमीटर ये रोड मिलेगी, उसके बाद भाई थोड़ा सा सिंगल रोड आ जाएगा और थोड़ा ऑफ रोड आ जाएगा 8-9 किलोमीटर के बीच में, कहीं कहीं भाई सिंगल रोड आएगा छोटा मोटा, और उसके बाद गड्ढे वाली रोड आ जाएगी, उसके बाद और ठीक ठाक रोड आएगी, फिर ऐसे ही मतलब चलता रहेगा छोटे मोटे, थोड़ा सा ही है ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर तो ऑफ रोड ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई ये अंकल जी चला रहे हैं भेड़ बकरियाँ, बकरियाँ तो मेरे को यहाँ पे इसके अंदर नहीं दिख रही है, सारे के सारे भेड़ ही हैं, हाँ दिख रही है भाई 2-3 बकरियाँ हैं इसके अंदर, बाकी ज़्यादातर भेड़ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये तो गाँव वाले लोग जो है ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पर निर्भर हैं, गाय भैंस पालते हैं, दूध वगैरह बेचते हैं और भेड़ बकरी पालते हैं, तो उससे भाई जो भी इनका इनकम सोर्स है वो यही है, ठीक है ना। सो गाइस ये है फर्स्ट टोल प्लाजा इस रोड का, तो मेरे गांव और इस रास्ते के बीच का ये पहला टोल प्लाजा है, हो सकता है आगे रास्ते में हो सकता है और भी होगा आगे रास्ते में, फिलहाल मेरे गांव से लेकर यहां तक एक ही टोल प्लाजा लगता है जो कि ये है आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो 2-व्हीलर बाइक वगैरह का तो टोल लगता नहीं है, तो मैं पास से निकाल दे रहा हूँ, बाकी ट्रैक्टर का भी नहीं लगता होगा मेरे ख्याल से, बाकी की जो भी गाड़ियाँ हैं उनका लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रेन ला रखी है और एम्बुलेंस भी लगा रखी है, तो ये भाई जो भी नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं लोग। सो भाई बातों में हमारे सामने एक और गांव आ गया, पहले इस गांव के अंदर से रास्ता निकला करता था, बट ये रोड बनने के बाद भाई यहाँ से जो है शॉर्टकट कर दिया, गांव के बाहर से रास्ता कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं है कि गांव के बिल्कुल बाहर से रास्ता कर दिया, इस साइड में भी गांव है, कुछ घर हैं इस साइड में ज़्यादा है मतलब घर, ठीक है ना, इस गाँव के ज़्यादातर घर इस साइड में, थोड़े कम घर है इस साइड में, बाकी इसके बीच में से ही यहाँ से रास्ता निकाल दिया। इस गाँव का नाम है मियासनी गाँव, ठीक है मियासनी,
यहाँ से निकलने के बाद आगे आएगा गांव बीड़ावास। बीड़ावास गांव से निकलने के बाद, बीड़ावास गांव से आगे नहीं जाएंगे, बीड़ावास गांव के अंदर से ही रास्ता जाएगा जिस गांव में मैं जा रहा हूँ। So guys, finally अपन पहुंचे हैं बीड़ावास गांव में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी अच्छा खासा रोड है और यहाँ पे रेलिंग भी बना रखी है डिवाइडर के लिए। मतलब रोड का काम बहुत अच्छा था, मतलब भाई रोड का काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया। अभी मेरे को आगे नहीं निकलना, यहाँ से आगे लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे मेरा खुद का गांव आएगा, बट मेरे को एक दूसरे गांव में जाना है तो इस साइड से मेरे को लेफ्ट साइड में टर्न लेना है। तो ले लिया आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा सा सिंगल रोड आएगा, उसके बाद ऑफ रोड आएगा, फिर थोड़ा सा सिंगल रोड आएगा, फिर उसके बाद ऑफ रोड आएगा। तो आप लोग देख सकते हो इस साइड में पूरा का पूरा जंगल है एंड इस साइड में भी जंगल ही है, ठीक है ना। तो ये जंगल भी नहीं कह सकते, ये खेत भी है साइड में लोगों का, ठीक है ना, और उस साइड में घर भी है। तो आगे पूरा का पूरा आएगा भाई जंगल टाइप का एरिया, क्योंकि फिलहाल भाई बारिश हो नहीं रही तो भाई खेतों में फसल है नहीं गर्मियों में, तो जंगल टाइप का ही माहौल है। सो गाइस यहाँ से ऑफ रोड की शुरुआत होती है, आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे कुछ वाइट कलर का बजरी वगैरह डाला हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर पूरा का पूरा भाई कंक्रीट है, तो कंक्रीट में गड्ढे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे ना भाई विजिबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी में बहुत ज़्यादा जर्क आ रहे हैं, क्योंकि ये वाइट कलर का जो बजरी वगैरह डाला हुआ था इसमें पता ही नहीं चलता है गड्ढे कहाँ हैं। तो ये भाई ऑफ रोड वाला रास्ता काफ़ी लंबा जाने वाला है और उसके बाद भाई लगभग उस गाँव के आस पास मैं पहुँचूँगा, तब भाई जाके कोई रोड मिलेगी मेरे को। फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर रोड मिलने की, क्योंकि मैं कई बार निकल चुका हूँ यहाँ से, मेरा आना जाना रहता है जब भी मेरे को इस गांव में जाना होता था। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जिस गांव में मेरे को आना था। यहां इस गांव की ग्राम पंचायत है ये सग, और भाई इस गांव का नाम है पलासनी गांव, ठीक है ना। नाम आप लोगों को बताया नहीं था, तो पलासनी गांव में मेरा काम था, ठीक है ना गाइस। और भाई यहीं पे मेरा जो पोस्ट ऑफिस है मेरे गांव का, वो भी यहीं पर लगता है, ठीक है ना। और जो भाई मेरा गूगल एडसेंस पिन आया था वो इसी गाँव में आया था, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है तो यहीं से मैं लेके गया था। भाई फाइनली इस गांव को करते हैं अलविदा और आप लोग देख सकते हो तो ये पलासनी गांव है और गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। मैं गांव के बीच में से निकल रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। तो इस साइड में कुछ इस प्रकार की दुकान है और जब मेरे गाँव में भाई कोई काम होता है ना, शादी वगैरह का काम होता है और सामान वगैरह ले जाना होता है ज़्यादा बल्क में, तो यहीं पर आते हैं भाई। यहाँ पर 3-4 ऐसी होलसेल दुकान है जहाँ से हम लोग सामान ले जाते हैं। बाकी भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब्ज़ी वगैरह की दुकान है और सामने जस्ट मिठाई की दुकान है। ये बच्ची जा रही है भाई रोड के बीच में। लेट्स गो गाइस, मेन रोड पे आ गए और अभी सीधे के सीधे चलते हैं भाई वापस घर की तरफ। आप लोगों ने देखा भाई जो भी दिखाना था, जो दिखाने लायक चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी जाते हुए गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है मेन रोड का, ठीक है ना गाइस। इस साइड में पूरा का पूरा तालाब है एंड वहाँ पर मैं जाके अभी दिखाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है गाइस, जल्दी से मेरे को वापस घर पर जाना है, मेरा कोई इमरजेंसी काम था। और भाई वहाँ पर मेरा काम पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ, पर दो काम थे भाई, दो काम में से एक काम कंप्लीट हो गया और एक काम अधूरा रह गया। तो कोई बात नहीं भाई, एक काम तो हुआ, जो मेरा तेल खर्चा हुआ उसका तो वसूल हुआ कि भाई एक काम तो हुआ, एटलीस्ट मैं यहाँ पे आया तेल जला के। रेस लगा रहे हैं भाई यहाँ पे, रेस लगाने का कोई सिस्टम नहीं है भाई यहाँ पे, अगर ज़रा से भी चूक हुई ना तो हाथ वाथ छुलवा के बैठेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो भाई मड की रोड है, बजरी वगैरह और मड, इनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं तो एकदम चढ़ जा रहा है, बट मेरी ये चढ़ेगी उसके बाद ब्रेक लगाऊंगा स्किड भी मार देगा। तो ये लड़के मेरे को चढ़ा रहे हैं कि ये भी भगाएगा अपनी गाड़ी, बट मैं भगाने वाला नहीं हूँ भाई, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई फिलहाल, ठीक है ना। और कोई सेफ्टी के लिए कोई राइडिंग गियर वगैरह है ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए भाई विदाउट एनी सेफ्टी, सिर्फ सेफ्टी के नाम पर हेलमेट है और हेलमेट के बाद बाकी के जो भी नी प्रोटेक्शन है, नहीं ग्लव्स है नहीं, और हैंड के लिए जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो है नहीं, राइडिंग जैकेट है नहीं मेरे पास, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। तो भाई
रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ मैं यार, बिल्कुल भी। ठीक है, जो मेन रोड थी वहाँ पे तो मैंने भगाया था गाड़ी को, लगभग 60 की स्पीड से क्रूज किया था, बट यहाँ पे भाई ऐसा भगाने वाला सीन नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी थी और वहाँ पे रोकने की भी जगह मिलती थी। बट यहाँ पे आप लोग देखे तो इस तरह की गोलाई है, एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो स्किट मार देगी गाड़ी। बट एक बार तो इनको पे चढ़ा के दूंगा ले। लड़कों को चकमा दे के मैंने पीछे रख दिया भाई, ये भगाने की कोशिश तो करेंगे बट मैं यहाँ से ले को वो भगाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से मैं भगा दूंगा गाड़ी। छोटे बच्चे भाई गिर गुरा गए ना तो फिर मेरी ही समस्या हो जाएगी, और बोला भाई ये इसने चढ़ा जाता बच्चों को, इसलिए बच्चे गिर गए। अब वो पीछे आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं भाई। अच्छा उनका घर भी आ गया भाई, अब भगाने का कोई सेंस नहीं बनता, अभी आराम से चलेंगे। अभी भाई मेरे को मिल गए ऊँट, तो आप लोग देख सकते हो ये अंकल जी लेके जा रहे हैं सारे के सारे ऊँट को। ये दौड़ता हुआ आ रहा भाई, ऊपर से ना निकल जाए, इस भाई ने भगाया था भाई तो बहुत ही सोते ऊँट थे भाई, बदमाश नहीं थे और आराम से साइड दे के निकल गए। सो गाइस अभी इस गाड़ी की जो मनपसंद रोड है वो मिल गई है, आप लोग देख सकते हो मेन रोड पर आ गया मैं, इधर से आया सामने की तरफ से और आधा ऑफ रोड और आधा ठीक ठाक रोड था, उसके बीच में गाड़ी चलाया। और इस रोड की तो भाई ये रानी है, ये किसी को भी आगे नहीं निकलने देगी 100 cc में, कोई भी गाड़ी लेके आ जाओ भाई ठीक है ना। मक्खन रोड है पूरी और इस पे आराम से चलती है ये, मज़ा आता है इसको राइड करने के लिए ऐसी रोड पे। I'll never slow up, no, I don't take shit, I got no-